प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद एवं सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम जिला राजसमंद राजस्थान से प्राणीशास्त्र विषय के पेपर कशेरुकी की कक्षा बीएससी द्वितीय वर्ष के लिए यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणीशास्त्र। आज का हमारा अध्याय है कोलंबा लिविया सामान्य जंगली कबूतर, कोलंबा लिविया द कॉमन रॉक पिजन। कबूतर जिसे रॉक पिजन कहा जाता है चतुष्पादी प्राणी है। यह प्राणी जगत के वर्टिब्रेटा संघ के टेट्रापोडा की क्लास एवीज के अंतर्गत आता है, यानी कि यह पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। परों का पाया जाना पक्षियों का विशिष्ट लक्षण है। जैसा कि हम सभी जानते हैं पक्षियों के अग्रपाद परों में रूपांतरित होते हैं, इसलिए पक्षी उड़ने में सक्षम होते हैं। एक पक्षी पर युक्त होता है यानी कि पंख युक्त होता है, पक्षी में पंख पाए जाते हैं, इसलिए पीछे के दो पैरों के ऊपर चलता है। इस प्रकार की चाल को बाईपेडल लोकोमोशन या द्विपादी गमन कहते हैं। जैसा कि मनुष्यों में भी द्विपादी गमन पाया जाता है। पक्षियों में दो विशेषता हो गई, पक्षी उड़ने वाला वह कशेरुक प्राणी है जो द्विपादी चलन से चलता है। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। पक्षियों के द्वारा बच्चों का परिवर्तन अंडों में होता है क्योंकि इनमें प्लेसेंटा नहीं है। अंडे में योग भरा होता है जहाँ पर इनका परिवर्तन होता है। अंडे में एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योग सेक नामक झिल्लियाँ पाई जाती है जो इनके शिशुओं के परिवर्धन में सहायक होती हैं। अंडों के अध्ययन के विज्ञान को ऊलोजी या अंड विज्ञान कहते हैं। अंडों से जब कबूतर निकलते हैं या कोलंबा लिविया की जब हम बात करें तो उसके वर्गीकृत स्थान को सबसे पहले देखेंगे। कोलंबा लिविया संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत आने आता है। इसका उपसंघ वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एवीज, सब क्लास नियोर्निथिस, सुपर ऑर्डर नियोगनेथी, ऑर्डर कोलंबिफॉर्बिस और प्रतिरूप कोलंबा लिविया है। क्लासिफिकेशन को मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता हूँ। फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास एवीज, सुपर सब क्लास नियोर्निथिस, सब ऑर्डर नियोगनेथी, सुपर ऑर्डर नियोगनेथी, ऑर्डर कोलंबिफॉर्मिस और जो प्रतिरूप है वो कोलंबा लिविया है, जीनस कोलंबा लिविया, स्पेसिस लिविया है। यदि पक्षी के प्राकृतिक इतिहास की बात करें तो सबसे पहले इसके वितरण की बात आती है। एशिया, यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका में यह पक्षी व्यापक रूप से वितरित है। फिलिस्तीन और इज़राइल में प्रचुरता में पाया जाता है और भारतवर्ष में इसकी दो उपजातियां पाई जाती है। पहली जाति कोलंबा लिविया निगलेक्टा कहलाती है और दूसरी जाति कोलंबा लिविया इंटरमीडिया कहलाती है। आकार में बड़ी
और हल्के रंग की जाति कोलम्बा लिविया निगलेटा हिमालय पर्वत पर 13,000 फीट की ऊंचाई तक पाई जाती है, जबकि छोटे आकार की और गहरे रंग वाली प्रजाति कोलम्बा लिविया इंटरमीडिया सर्वत्र पाई जाती है। कबूतर की पहचान के लिए यह डायग्राम आपके समक्ष है। ये कोलम्बा लिविया का डायग्राम है, फोटोग्राफ्स आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसे आप भलीभांति परिचित हैं। कोलम्बा लिविया के आवास की यदि हम बात करें तो ये एक जंगली कबूतर है। आज़ादी के साथ साथ दरारों, चट्टानों, विवरों और पुराने खंडरों में ये कबूतर निवास करते हैं। ये उन घरों में रहना भी पसंद कर रहे हैं जहाँ पर मनुष्य रहता है। ऐसे घरों में भी ये अपना घोंसला बना लेते हैं। देश के कुछ देहाती भागों में कुओं के छिद्रों में रहना पसंद करते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही शांतिप्रिय पक्षी है। संसार में शांति, एकता और आनंद का प्रतीक माने जाने वाला कबूतर झुंडों के साथ अपना बसेरा करते हैं। भोजन और अनशन के लिए की दृष्टि से ये जंतु शाकाहारी होता है। अनाज, दालों और फलों के बीजों को ये बड़े चाव से खाता है। कीड़ों और घोंगों को भी भोजन समझकर खा लेता है। पानी पीने में ये घोड़े के समान पानी पीता है। सुबह और शाम अपने वास स्थान को छोड़कर बड़े बड़े झुंडों में, जिन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं, में उड़ता है। खेतों में चुगने के लिए भी जाता है। गमन या चलन लंबी सूंडाकार का शक्तिशाली वेगवान पंख वेगवान और लंबी उड़ानों में यह सहायक होता है। जमीन पर भोजन चुगते समय ये काफ़ी तेज चलते हैं। छोटे छोटे पैरों को यह बारी बारी से चलाता है और हर कदम पर सिर को आगे और पीछे करके चलता है। दोनों पैरों पर चलता है, इसलिए इसमें द्विपादी गमन पाया जाता है। यह अचानक उड़ता है और अचानक उड़ते समय पंखों को जमीन पर फड़फड़ाकर एक चटकती आवाज़ पैदा करते हैं। इनके द्वारा की जाने वाली आवाज़ कुं कुं की मधुर सीटी के समान प्रतीत होती है। इसके अलावा यह गुटुर गुं गुटुर गुं गुटुर गुं की आवाज़ भी करता है। पारिवारिक जीवन इनमें पाया जाता है। यह भी मनुष्य के समान एक संगमनी मोनोगेमस प्राणी होता है। प्रेम और प्रणय की याचना की क्रियाएं मनुष्य के समान होती है। प्रजनन काल वर्ष भर होता है। प्रणय याचन और मैथुन क्रिया के बाद आंतरिक निषेचन पाया जाता है। यद्यपि कबूतरों का कोई महत्व नहीं है। कॉपुलेशन के समय नर मादा की पीठ पर सवार हो जाता है, जिससे दोनों के अवस्कर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। नर अपने शुक्राणुओं को शीघ्र ही सीधे मादा के यूरोडियम में पहुंचा देता है। तत्पश्चात शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंचकर अंडों को निषेचित करते हैं। घोंसला बनाने के लिए, वैसे तो घोंसला बनाने में ये बहुत कम रुचि रखता है, लेकिन खाली पत्थरों लकड़ी के तख्तों पर अंडे दे देता है। छोटी छोटी लकड़ियों पर जड़ों का ढीला सा साधारण चपटा और चबूतरे नुमा घोंसला बना भी सकता है। अंडे से ना, मादा एक बार में 2.5 x 2 cm के दो अंडाकार सफ़ेद अंडे देती है। अंडे सेने की क्रिया नियमित रूप से नर और मादा के द्वारा बारी बारी से की जाती है। शरीर की गर्मी के अंडों को ये सहते हैं। नियमित रूप से 14 दिन तक अंडे सेने के पश्चात अंडों में से शिशु यानी बच्चे निकलते हैं। कबूतरों के बच्चे असहाय होते हैं। कबूतर शायापेक्षी एल्ट्रेसियल होते हैं। इनके बच्चे नग्न और अंधे होते हैं, निरीय होते हैं, इसलिए इनको बड़े होने तक पैतृक रक्षण की आवश्यकता होती है। माता और पिता कबूतर के द्वारा एक चर्बीदार दधी के समान दुग्ध पदार्थ इनके क्रॉप के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, जिसे दुग्ध कहते हैं और ये पीजन मिल्क कहा जाता है,
इन ग्रंथियों के द्वारा, दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है, और ये दुग्ध दोनों ही लिंगों, नर और मादा दोनों के द्वारा स्रावित किया जाता है, जो बच्चों को खिलाया जाता है। स्वाभाविक रूप से इस जंतु के बहुत से शत्रु हैं। जंगली व पालतू बिल्ली, लोमड़ी, नेवला, बाज, उल्लू और सांप इसके प्राकृतिक शत्रु हैं। इसके अलावा अनेक परजीवी, कृमि, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु, और लास्ट में मनुष्य शिकार और मांस, इसके अलावा अध्ययन के लिए भी इन जंतुओं का शिकार कर लेता है। इन जंतुओं में एक खास बात होमिंग इंस्टिंक्ट का पाया जाना है, जिसे अभिग्रह वृत्ति कहते हैं। यदि कबूतरों को रेल द्वारा बंद डलिया में मीलों दूर ले जाकर भी स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये अपना निवास स्थान या जो लोप्ट है उसे ढूंढ लेते हैं। ये अन्य प्रवासी पक्षियों, माइग्रेटरी बर्ड्स के समान दिग्विन्यास और होमिंग इंस्टिंक्ट की समझ रखते हैं। इनका आर्थिक महत्व यह है कि ये भोजन के रूप में उपलब्ध होते हैं। मनुष्य और परभक्षियों के लिए आसान भोजन के रूप में फल कपोत या हरित कपोत, जिसे क्रोकोपस फोनिकोपटेरस कलोरोगेस्टर कहा जाता है, ये भोजन के लिए अति उत्तम माना जाता है। कबूतर प्रिय घरेलू और पालतू पक्षी है, प्रयोगशाला में अध्ययन हेतु काम में लाया जाता है। प्राचीन समय में कबूतरों को युद्ध व प्रेम प्रसंगों के दूत के रूप में अभ्यस्त किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के समय 1914 से 1919 तक लिखित संदेश लाने और ले जाने के लिए कबूतरों का प्रयोग किया जाता था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 20,000 कबूतरों का बेड़ा था, जो नियमित रूप से डाक को राज्य के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य करता था। कबूतरों का प्रयोग बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है। घरों में, खेतों में अधिक मात्रा में दाने चुगने के कारण कबूतर नाशक या पेस्ट के रूप में या हानिकारक जंतु के रूप में भी माना जाता है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट में एक और इसका उपयोग है, ऐसा मानते हैं ग्रामीणवासी कि निमोनिया होने पर कबूतर का मांस खाने से ठीक हो जाता है, लेकिन यह सामान्य और लोकल धारणा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपेक्षा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा।